नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा वैक्सीन और दूसरी दवाइयां जो आप पहले से ले रहे हैं, इसमें क्या रिलेशन है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप पहले से कोई दवाई लंबे समय से ले रहे हैं तो उसका वैक्सीनेशन से क्या संबंध है, तो अभी तक ये एस्टैब्लिश करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप जो पहले से दवाइयां ले रहे हैं उसका इम्यूनिटी पे क्या रिस्पॉन्स है, ये रिसर्च ऑलरेडी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। जैसे कि कई लोग वैक्सीन के बाद एस्पिरिन दवा ले रहे हैं अपने दर्द को कम करने के लिए, क्योंकि बैक पेन, बॉडी पेन, नेक पेन, इस तरह की परेशानी कुछ लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने आप कोई भी मेडिसिन आप वैक्सीनेशन के बाद ना लें। जैसे एस्पिरिन, ब्रूफिन, एसिटामिनोफिन, इन तीनों वैक्सीन के ऊपर 1990 में रिसर्च हुई और देखा गया कि ये तीनों वैक्सीन से इम्यून रिस्पॉन्स आपका कम होता है। इसके कम होने के दो रीजंस है, आपका मोनोसाइट का इम्यून रिस्पॉन्स कम होना और दूसरा मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट का इम्यून रिस्पॉन्स कम होना। ये दोनों ही व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स को बिल्डअप करने में आपकी मदद करते हैं। दूसरी रिसर्च 2005 में हुई है जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के ऊपर हुई है कि उनका इम्यूनिटी के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स है, तो इसके साथ भी इम्यूनिटी कम देखी गई। लेकिन यहां पर एक चीज और देखी गई कि बच्चों के अंदर और कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों के अंदर जब इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है तो उनकी परेशानी और बढ़ती है। अगर वैक्सीनेशन आप इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो साथ में आप ऐसी दवाई क्यों ले रहे हैं जिससे इम्यून रिस्पॉन्स घट रहा है। अगर आपकी परेशानी बहुत ज्यादा है तो प्लीज अपने डॉक्टर की सलाह लें, अपने आप कोई दवाई इस समय लेना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।